तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें क्या कहता है कि एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है, मतलब एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है और वो रेस्ट में है। तो ये एक लाइन है और इस लाइन पे एक बॉडी है, ये वाली जो बॉडी है वो भाई इसका जो मास है वो 2 kg है। तो अगर मास 2 kg है और ये क्या है, रेस्ट में है, तो अगर रेस्ट में है तो इसकी इनिशियल स्पीड 0 है। इट स्टार्ट मूविंग अंडर द एक्शन, अगर ये बॉडी कांस्टेंट पावर से इधर से जा रहा है, ठीक है, एक कांस्टेंट पावर लग रहा है जो कभी चेंज ही नहीं हुआ। इट्स डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड, तो कांस्टेंट पावर ये लगा और ये बॉडी डिस्प्लेस हो गई। तो अगर ये डिस्प्लेस हो गई यहाँ से, तो यहाँ तक आने में, यहाँ समय 0 था और यहाँ तक आने में 4 सेकेंड टाइम लग गया। तो अगर यहाँ तक आने में 4 सेकेंड टाइम लग गया, तो इट्स डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड, ये एक्सप्रेशन है। तो अल्फा कितना होगा, मतलब अगर कांस्टेंट पावर लग रहा है बॉडी पर, तो हमें कुल मिला के हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो देखो बहुत आसान है, ठीक है। अगर तुम यहाँ से देखोगे तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टी, ठीक है। पावर इज इक्वल टू एफ डॉट बी, यहाँ से तुम देखोगे एफ डॉट बी और यहाँ से तुम देखोगे कि जो पावर है कांस्टेंट है भाई, पावर की वैल्यू कांस्टेंट है। तो पावर की वैल्यू कांस्टेंट है तो ये पीटी इधर आ जाएगा और वर्क डन कुछ नहीं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी चेंज का मतलब हाफ एम बी स्क्वायर, दैट इज़ द पी टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ से देखूँगा तो ये जा जाएगा 2 times PTM अंडर रूट, दैट इज स्पीड भी। तो स्पीड भी को मैं dx/dt बड़े आराम से लिख सकता हूँ और ये आ जाएगा 2 PT/m अंडर रूट। ये बहुत ही फेमस और रिपीटेड सवाल है, कई बार पूछा गया है। तो यहाँ से तुम देखोगे तो dx की जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से dx की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 PT/m अंडर रूट और ये आ जाएगा dt। प्रॉपर लिमिट यहाँ लगाओगे तो जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। अब टाइम t हुआ तो डिस्प्लेसमेंट x हुआ, तो यह आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 PT/m अंडर रूट और यह आ जाएगा टी अंडर रूट, दैट इज द dt। तो यहाँ से तुम देखोगे तो 2 PT/m अंडर रूट और टी को यहाँ इंटीग्रेट करोगे तो यह आ जाएगा 3/2 और यह आ जाएगा 3/2। तो फाइनली जो यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी, ये 2 PT/m अंडर रूट तो रहेगा ही रहेगा, साथ साथ ये आ जाएगा 2/3 और टी की पावर 3/2 यहाँ से। तो अब मैं इसको अंदर ले जाऊँगा, ठीक है, इसको मैं अंदर ले जाऊँ, टाइम की वैल्यू रखो, टाइम 4 सेकेंड है ना। यहाँ जो टाइम था, टी की वैल्यू जो थी लिमिट दें, टी की वैल्यू यहाँ 4 सेकेंड था, तो टी की वैल्यू 0 to 4 सेकेंड। तो टाइम की वैल्यू यहाँ 4 सेकेंड रखोगे तो 2 PT/m अंडर रूट, इसको यहीं रहने दो, और 2/3 यहाँ रहने दो, और 4 रखोगे तो 4 रखोगे तो 4 की पावर 3/2, तो 4 की पावर 3/2 कितना होगा, 3 होगा। तो 4 की पावर 3/3 होगा, तो ये यहाँ से 2 PT/m अंडर रूट ये आ गया और ये 2/3 और ये आ जाएगा 2 की पावर 3 बचेगा। तो 2 की पावर 3 कितनी होगी मेरे भाई, 2 की पावर 3 अगर तुम देखोगे यहाँ पे तो 2 की पावर 3 यहाँ 9 हो जाएगा। तो ये 3 times कट गया, इधर बचा 3। अब हमें इसको इस फॉर्मेट में लिखना है कि इस एक्सप्रेशन को मुझे किसके फॉर्मेट में लिखना है, ये 3 हो गया और नहीं, 2 की पावर 3 यहाँ 8 आ जाएगा ना, तो 8, ये 16/3 और 2 PT/m, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये अगर डिस्प्लेसमेंट है
तो तुम यहाँ पर देखोगे अल्फा पी एम, ये अंडर रूट ये पी एम। हाँ, तो यहाँ से तुम अगर पी एम की बात करोगे, मास की वैल्यू देखो दिया था क्या, मास की वैल्यू दिया था 2 kg, तो यहाँ से तुम 16/, और ये 2p और मास भी 2 रखोगे तो ये कट जाएगा, मतलब है 16/3 पी अंडर रूट इतना मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस सिचुएशन से कंपेयर करोगे तो अल्फा की वैल्यू 16 आ जाएगी, ठीक है। तो फाइनली यहाँ जो अल्फा की वैल्यू है, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू, इस पूरे अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 16 है। तो अल्फा अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 16 है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो ये बेसिकली अल्फा की वैल्यू पूछे हैं, तो अल्फा स्क्वायर 16 आ गया, तो अल्फा की वैल्यू 4। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम।